हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एम के सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एडसेंस कुछ ऐसे चैनल में अपना एड देना नहीं चाहता है, बल्कि जबकि यूट्यूब की तरफ से चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल किया हुआ है, तब भी एडसेंस ऐसे वीडियो में अपना एड देना नहीं चाहता है। अब यूट्यूब ही एडसेंस ही जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ है जो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसके साथ ऐसा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका अगर चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल किया हुआ है तो भी आपको खतरा है कि हो सकता है कि आपके वीडियो में एड्स ना आए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो इसलिए आप सुधर जाएं और कुछ इस तरह का कंटेंट डालें जिसमें ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आगे से पहले से सुधर जाएं। जिसके साथ हो गया है तो वो तो जाने। अभी कुछ हफ्तों से ऐसा चल रहा है कि चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल है, तब भी वीडियो में एड्स देने से इनकार कर रहे हैं, और बताया जा रहा है वीडियो में कि आप मैनुअल रिव्यू के लिए अपने वीडियो को दें यूट्यूब की तरफ। तो यूट्यूब की तरफ से आपका मैनुअल रिव्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो में एड्स नहीं दे रहे हैं। तो यूट्यूब ही जाने और एडसेंस ही जाने कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ समझ में आता है कि कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और ऐसे चैनल हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी जो हम रिसर्च किए हैं, कुछ ऐसे वीडियो को देखे हैं, तो कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल है तो आपका एड आ रहा है, और कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें आपका चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल किया हुआ है, तब भी एड्स नहीं आ रहे हैं। तो टोटल मिला के जो हम इसका जो रिजल्ट निकाले हैं, तो इसका रिजल्ट क्या है कि ऐसे चैनल जिसमें एड्स नहीं आ रहे हैं, चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल है, तो वो चैनल ये सब हैं कि बहुत से ऐसे फ़नी चैनल हैं जिसमें साइलेंट फनी वाले जो एक्स्ट्रा वॉइस लगाते हैं वीडियो में, और अपने जो रियल कंटेंट जो है, रियल वीडियो जो है, उसको म्यूट करते हैं। तो ऐसे चैनल जितने भी चैनल हैं, मैंने देखा है कि 90% से 95% चैनल ऐसे हैं कि उसका मोनेटाइजेशन एनेबल है, फिर भी एड्स नहीं आ रहे हैं। और भी मैंने कुछ ऐसे चैनल को देखे जिसमें ऐसा हुआ है। तो ऐसे क्या चैनल, जो कुछ ऐसे चैनल हैं जिसको फेस कैम नहीं है, या मतलब रियल कैमरा के सामने बंदा नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसे वॉइस एक्स्ट्रा वॉइस लगा के और बाहर से बोल रहे हैं, और उसमें कुछ पोस्टर वोस्टर लगा के कुछ अपने मतलब कुछ बातें बता रहे हैं। तो ऐसे चैनल में भी ऐसा हुआ है, और स्टेटस वाले चैनल का भी यही हाल है। और मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक दो चैनल ऐसा है, कैटेगरी वाला चैनल ऐसा है जो वो भी सक्सेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो आप सुधर जाएं और कुछ इस तरह का कंटेंट डालें जिसमें आपका प्रॉब्लम बाद में ना आए। तो बहुत ही मेहनत करने के बाद कुछ ऐसे सब्सक्राइबर बनते हैं, या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर बनते हैं, और बहुत ही मुश्किल से ही कुछ सक्सेस मिलता है। अगर बाद में आपका अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में, तो इसलिए पहले से ही सुधर जाएं। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे से मुराद ये है कि आप ना कोई 0% कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करते हैं, और आप जो है ना ही एक्स्ट्रा कोई वॉइस लगाते हैं, ना ही कोई म्यूजिक लगाते हैं, तो ही आपके लिए बेटर है। अगर जो ऐसा करता है, या मतलब कोई एक्स्ट्रा साउंड यूज़ करता है, कोई कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ करता है, या कुछ ऐसा करता है, उसके लिए बहुत ही खतरा है। बाद में उसका जो करियर है उसके लिए अच्छा नहीं है, बाद में चैनल का उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अगर काम करना चाहते हैं अच्छे से तो आप अपना फेस कैम दिखाइए, अपने कैमरे के सामने अपने फेस को लाइए, और जो रियल वॉइस है, रियल वॉइस के साथ ही कुछ काम करें। अगर आपका न्यूज़ वाले चैनल हैं तो न्यूज़ बताइए, अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल बताइए, अगर फ़नी है तो फ़नी बताइए। एक्स्ट्रा वॉइस से बचें, और चैनल वीडियो को म्यूट करने से बचें, और तभी आपका जो बाद में जो करियर है वो सुधर सकता है। और ये जितने भी ये स्टेटस वाले चैनल, या तो फिर ये साइलेंट फ़नी वाले चैनल, या कुछ
कुछ पोस्टर लगा के बाहर से कुछ वॉइस दे के या कुछ फेक चैनल बना के आप कुछ पहले जो होता था कि पहले फेक चैनल बना बना के रुपए कमाते थे। तो वो दिन गया भाई, अब वो दिन नहीं आने वाली। अभी बहुत यूट्यूब बहुत सख्त हो चुका है। अब फेक चैनल का कोई कैरियर नहीं है इसमें। अगर आपको काम करना है तो आप साफ दिल से, साफ सुथरे से और मेहनत कीजिए, तब जाके आपको सक्सेस मिल सकती है। तो बहुत ऐसे चैनल हैं जो सक्सेस है, तो सक्सेस वही है जो रियल कैमरे के सामने आगे रियल कंटेंट बनाता है, ना कोई गाली गलौज, ना सेक्सुअल का खतरा, ना ही डेंजरस का खतरा, ना ही थंबनेल में कुछ ऐसा जो थंबनेल दिखाते दिखा के कुछ ऐसा कर देते हैं, थंबनेल में कुछ और दिखाते हैं, वीडियो के अंदर कुछ और। तो ऐसा फेक चैनल का जमाना गया। अब आपको काम करना है तो रियल कंटेंट ही डालें और बस साफ दिल से काम करें, अच्छे से काम करें, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपका चैनल का मोनेटाइजेशन एनेबल है, हो जाता है, तब भी आपको वीडियो आपके वीडियो में एड्स नहीं आ भी सकते हैं। आपके एड्स में प्रॉब्लम हो सकता है या आपका बाद में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कुछ आप अगर कोई जीरो आपको अगर कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करते हैं तो अगर आपका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो बाद में आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें प्रॉब्लम नहीं आते हैं, तो उस तरह का चैनल में काम करें, उस तरह का वीडियो बनाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली नई वीडियो आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।